ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतनराम मांझी अपने बयानों को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में उनका एक बयान शराबबंदी को लेकर वायरल हुआ था, अब एक बार फिर पंडितों और सत्यनारायण भगवान को लेकर दिया गया उनकी विवादित बयान सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो पटना के एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। जीतनराम मांझी का भी जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो पटना के आयोजित भुइया मिलन समारोह का बताया जा रहा है। जीतनराम मांझी ने कार्यक्रम की संबोधित करते हुए कहा कि माफ कीजिएगा, लेकिन आजकल गरीब तबके के लोगों को धर्म के प्रति लगाव होता जा रहा है। पहले हम लोग सत्यनारायण भगवान पूजा के नाम नहीं जानते थे, आज हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण भगवान की पूजा होता है। इस दौरान उन्होंने पंडितों को लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल किया उसे आप भी सुन लीजिए। ये पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम लड़के दे देंगे। ये पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम लड़के दे देंगे। ये पंडित हरामी आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हम लड़के दे देंगे। वहीं इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद जीतनराम मांझी ने सफाई मांग ली है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा है कि उन्होंने ब्राह्मणों के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा है। अगर ब्राह्मण समाज को मेरे बयान पर ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। जीतनराम मांझी ने कहा कि उस शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए किया था कि हमारे समाज के लोग ऐसे लोगों में पूजा करा रहे हैं जो हमारे यहाँ खाना खाने तक पसंद नहीं किया करते। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान किसी को नहीं देना चाहिए। मांझी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, किसी समाज को लेकर विवादित बयान नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठकर जीतनराम मांझी की भाषा भी उन्हीं की जैसा हो गई है। जीतनराम मांझी ने ब्राह्मण जाति के जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता और क्षमा योग्य नहीं है। कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे की पूजा कराते हैं, उसमें भी अगर लाज शर्माना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने समाज में कुल देवता हैं, पानी साहब के लोग हैं, उनसे आप बात करवाइए। इसी शब्द में आगामी कभी सामने किया था अपने समाज के लिए, न कि पंडित जी। तो अपने समाज के लिए क्यों किया था हरामी शब्द का उपयोग? हाँ, इसलिए कि जो पहले पूजा नहीं कराते थे जी, अपने धर्म का और अपने लोगों की पूजा करते थे जी। अब पूजा के नाम पर जो कर रहे हैं, जितनी बर्बादियां कर रहे हैं और जितना अनेक तरह का जो ये धर्म, हिंदू धर्म और ये सब की बात कर रहे हैं, उसका प्रसार नहीं होना चाहिए। बाबा अम्बेडकर ने 56 में यही कह करके मरे थे कि हिंदू धर्म में जन्मे हैं, हमारा बस नहीं था, लेकिन हम हिंदू धर्म में नहीं मरेंगे। और यही कह करके 56 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और चला गया। तो हम जब बौद्ध धर्म बाबा अम्बेडकर जो हमारे संतान हैं उनके पूर्व माने जाते हैं, तो फिर हम क्यों पूजा करेंगे? तुम हरामी पत्नी पर नहीं करते हो, हरामी देवी की बात करते हो, बाबा अम्बेडकर का तो जय भीम का नारा लगाते हो, वो तुम जय भीम नारा लगाने लायक? यही तो प्रश्न पूछा। जीतनराम मांझी जी पूजा नहीं करते हैं? नहीं, एकदम नहीं करते जी, कब भी नहीं। आज तक इसके पीछे भी कहानी है। एक मंदिर में हम लोग पढ़ते हुए थे, 7वां क्लास में गए थे, मैं क्या नाम है उसका, श्रावणी पूजा होती थी जी। हमारे साथी लोग गए मंदिर में प्रणाम करने, हम जाने लगे तो हमने बांह पत्र निकाल दिया गया। उस दिन से हम समझे कि साले देवी देवता जितना भी हमारे नहीं है सभी जगह के हैं, उस दिन से हम पूजा पाठ नहीं करते।